कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता, और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर धकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जान बूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे थे। और बहनों और भाइयों, जो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को भी बढ़ावा दे रहे थे, उसी में एक प्रावधान उन्होंने जोड़ा था धारा 370 का। भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया, और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए, और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जाओ हे बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई, और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना हुआ है।